एक आवाज थी, वो आवाज थी मोहम्मद रफी। जिस तरह हीरोइन की आवाज लता मंगेशकर थी, उसी तरह हीरो की आवाज मोहम्मद रफी। और हीरो ही क्या, अगर कैरेक्टर एक्टर भी गाना गाने पे आ जाए तो उसकी आवाज भी मोहम्मद रफी की आवाज होती थी। रफी साहब 1924 में 24 दिसंबर को ही पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे। इस गांव में रोज एक अजीब फकीर गुजरता था, कहीं से गाता हुआ आता था और कहीं चला जाता था, लेकिन रोज एक नया पंजाबी गीत गाता हुआ गुजरता था और लोगों से बाजार में पैसा लेके आगे निकल जाता। इस गांव में एक बच्चा भी था, वो भी बड़ा अजीब था, 8-9 बरस का। वो रोज इस फकीर के पीछे 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 जाता था, उसका गीत सुनता हुआ, और जब वो गांव की हद से बाहर निकल जाता था फकीर, तो बच्चा वापस बाजार में आता था और अपने बाप की दुकान के सामने बैठ के वही गीत बिल्कुल उसी धुन में सुना देता था। और अब ये एक तरीका हो गया था, इसलिए बाजार के लोग भी जमा हो जाते थे, देखो वापस आ रहा है, अब सुनाएगा। कहते हैं कि पूत के पांव पाले ही में दिखाई देते हैं, यानी बच्चे का टैलेंट अगर है एक्सेप्शनल तो बहुत बचपन में ही दिखाई दे जाता है। रफ़ी साहब का टैलेंट सिंगिंग का सबसे पहले कोटला सुल्तान सिंह के लोगों को पता चल गया। जब ये 11 बरस के थे तो इनके फादर और फैमिली उस छोटे से गांव से शिफ्ट होके एक बहुत बड़े शहर लाहौर में चले गए। लाहौर भी तब हिंदुस्तानी था। वहाँ पर एक इनके बड़े भाई थे दीन मोहम्मद साहब, उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था हमीद। उन्होंने इस लड़के को सुना और ये रियलाइज किया कि ये तो मेजर टैलेंट है। उन्होंने बहुत इनक्रेज किया और ले गए कुछ उस्तादों के पास, जैसे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जैसे उस्ताद वहीद खान, जैसे पंडित जीवन लाल मट्टू, फिरोज निज़ामी। और उन लोगों ने भी जब देखा और सुना तो उन्होंने अपनी शागिर्दी में लिया, और उन्हीं लोगों से कभी इनसे, कभी कुछ अरसे बाद किसी और से, उसके बाद उनसे। ये हैं वो लोग जिन्होंने इनिशियली मोहम्मद रफ़ी के फ़न को निखारा, इस हीरे को तराशा। 13 बरस की उम्र होगी, एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। ये वही अपने बड़े भाई के दोस्त हमीद साहब के साथ, जो कि अब उनके बड़े भाई की तरह हो गए थे, एक वहाँ जलसा हुआ था जिसमें अपने ज़माने के मशहूर अदाकार, बहुत बड़े सिंगर KL सहगल साहब आ रहे, और वहाँ KL सहगल साहब गाना सुनाने वाले थे। बड़ी भीड़ जमा थी। ये भी हमीद साहब के साथ वहाँ पहुँचे 13 बरस की उम्र के। अब किस्मत का करना देखिए क्या हुआ कि वहाँ बिजली चली गई। अब वो तो सहगल साहब तो माइक पे ही गाने वाले थे, तो सहगल साहब जहाँ होटल में ठहरे होंगे या किसी के घर में ठहरे होंगे, उन्हें वही रोक दिया गया कि साहब जब बिजली आ जाएगी, जब माइक और लाउड स्पीकर काम करने लगेंगे, आप तब चलिएगा। यहाँ मजमा बैठा हुआ बड़ा बेचैन, और वो अनईजी हो रहा है कि भैया कब शुरू होगा फंक्शन। तो मुंतजमीन ने सोचा क्या किया जाए, और ये हमीद साहब ने एक राय दी कि मेरे साथ ये जो बच्चा है 13 साल का, ये बहुत अच्छा गाता है, अगर आप इसे बिठा दीजिए, कुछ गाने वाने सुनाएगा, वक्त गुजर जाएगा, और जब सहगल साहब आ जाएंगे बिजली आ जाने के बाद, फिर वो अपना सुनाएंगे, मगर तब तक ऑडियंस तो कंट्रोल में रहेगी। ऑर्गेनाइजर्स के पास चारा ही क्या, तो उन्होंने कहा चलो भाई चांस ले लेते हैं। और इस बच्चे को स्टेज पे बुलाया गया जहाँ माइक भी नहीं था, और उससे कहा गया सुनाओ कुछ गाने, और ये बच्चा गाने लगा और लोग सुनते रहे सुनते रहे। ता वक्त के बिजली आ गई। जब बिजली आ गई तो सहगल साहब भी आ गए, उन्हें वापस मजमे में बिठा दिया गया। सहगल साहब को जो लोग सुनने आए थे, उस ऑडियंस में एक श्याम सुंदर साहब भी थे जो अपने वक्त के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इस लड़के की आवाज़ सुनी और फंक्शन के बाद इसको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो। उसके बाद रफ़ी साहब श्याम सुंदर साहब के टच में रहे, म्यूज़िक तो सीख ही रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो पर गाने भी लगे। और फिर जब वो तकरीबन 20 बरस के थे तो उन्हें इसी श्याम सुंदर साहब ने ही पहला ब्रेक दिया। गुल बिलोच नाम की एक पिक्चर थी पंजाबी की, सोनिए हीरिए कुछ ऐसा गाना था, जो पहली बार 20 बरस की उम्र में मोहम्मद रफ़ी ने श्याम सुंदर की म्यूज़िक में गाया।
उसके बाद उन्हें कुछ फिल्मों में काम वाम मिलना शुरू हो गया, मतलब कभी यहाँ गा दिया कभी वहाँ गा दिया, लेकिन चल रही थी गाड़ी। 1944 में हमीद साहब जो उनके बड़े भाई की तरह थे, उनके मेंटोर भी थे, उनके सरपरस्त भी हो गए थे, गाइड भी हो गए थे, उन्होंने कहा कि देखो ज़रूरी यह है कि अब तुम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाओ। और 1944 में ये यंग लड़का अपने टैलेंट और बड़े भाई की तरह अपने बड़े भाई के दोस्त हमीद साहब के साथ बम्बई आया। यहाँ बम्बई में एक बड़ी गुंजान आबादी है और वहाँ एक मोहल्ला है जिसका नाम है भिंडी बाजार। वहाँ एक 10x10 की छोटी सी खोली मिल गई, उसमें ये रहने लगे और जाके लोगों से मिलना शुरू किया। उस ज़माने के मशहूर प्रोड्यूसर महबूब खान से भी मिले, कारदार बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे उनसे मिले, लेकिन यहाँ भी पहली बार उनके काम श्याम सुंदर साहब ही आए। इसलिए कि श्याम सुंदर साहब भी लाहौर से बॉम्बे आ चुके थे और एक फिल्म गांव की गोरी में उन्होंने रफ़ी साहब से बम्बई का पहला गाना गवाया। उसी साल वैसे उन्हें नौशाद साहब के साथ एक पिक्चर थी पहले आप, जो एआर कारदार प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें भी गाना गाने को मिल गया। हम हिंदुस्तान के हैं कुछ इस तरह का गाना था। जीएम दुर्रानी जो अपने ज़माने के मशहूर सिंगर थे और रफ़ी साहब से पहले बड़े लीडिंग मेल सिंगर थे, वो उनके साथ डुएट। यहाँ रफ़ी साहब को फिर फिल्मों में गाने मिलना शुरू हो गए, लेकिन जिस गाने ने उन्हें स्टार सिंगर बनाया वो थी 1947 की। वो फिल्म थी जुगनू, जिसमें दिलीप कुमार साहब हीरो थे और फिल्म की हीरोइन थी नूरजहां जो कि सिंगिंग स्टार थी, और इनका एक डुएट था जो सुपर हिट हुआ, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। 47 के बाद पार्टीशन हुआ और नूरजहां पाकिस्तान चली गई, लेकिन रफ़ी साहब जिनकी बाकी फैमिली अनडिवाइडेड इंडिया में उस जगह थी जहां बाद में पाकिस्तान बना, रफ़ी साहब ने डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और उस वक्त जब आबादियां इधर से उधर जा रही थी, उस वक्त अपनी फैमिली को उन्होंने उस इलाके से जो अब पाकिस्तान हो गया था बुला के हिंदुस्तान बुलाया और बॉम्बे बुला लिया और वो यहीं सेटल हो गए। 48 में जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ, नाथूराम गोडसे नाम के एक आदमी ने उनका कत्ल कर दिया, और उसके चंद ही रोज में राजेंद्र कृष्ण ने एक गीत लिखा और उसको गाया मोहम्मद रफ़ी ने, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। ये गीत दिल्ली में जो जलसा हुआ उसमें भी नेहरू जी ने सुना, फिर नेहरू जी ने एक फंक्शन अपने घर पे किया और रफ़ी साहब को बुलाया और वहाँ उन्होंने ये गाना दोबारा लोगों को सुनाया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। पहली जो एनिवर्सरी हुई आज़ादी के जश्न की 48 में, वहाँ एक फंक्शन हुआ और जवाहरलाल नेहरू के हाथ से इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को एक मेडल दिया गया जिसे उन्होंने ज़िंदगी भर बहुत संभाल के रखा। 48 के बाद हिंदुस्तान की लाइट म्यूज़िक फिल्म म्यूज़िक की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी हो चुके थे और हज़ारों गीत उन्होंने अपने करियर में गाए। मुझे हैरत होती है रफ़ी साहब पर, वो कोई भी गीत गाएं, भजन गाएं, कव्वाली गाएं, रोमांटिक गाना गाएं, इमोशनल गाना गाएं, इनकलाबी गाना गाएं, गांव का गीत हो, क्लब का सॉन्ग हो, मंचला गीत हो, उदास गज़ल हो, ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की आवाज़ इसी गीत के लिए बनी। हर गीत हर रंग में हर रूप में रफ़ी साहब ने ऐसे गाया है। वो किस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर के रंग में ढल जाते थे,
किस तरह से एक्टर के रंग में ढल जाते थे। अगर मैं कहूं कि रफ़ी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग को प्लेबैक सिंगिंग बनाया तो गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि रफ़ी साहब ने सिंगिंग और एक्टिंग का डिस्टेंस ख़त्म कर दिया तो गलत नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, हम इस बारे में बात करेंगे और मिसालें देंगे और उनके गीत सुनाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ये वो लोग थे और हैं कि जिन्होंने म्यूज़िक को पी लिया था और फिर जब उन्हें राग रागनियों पे कंट्रोल आया उसके बाद खड़े होकर फिल्मी गीत गा रहे, तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल हो गया। क्लासिक लीजेंड्स में एक बार फिर आपका स्वागत। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि रफी साहब अपनी तरह के पहले सिंगर थे सारी दुनिया में। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिए बात क्या है कि जब फिल्में बनना शुरू हुई और उनमें पहले तो साइलेंट होती थी और फिर आवाज आई, जब आवाज आई तो ऐसे लोग हीरो हीरोइन लिए जाते थे कि जिन्हें थोड़ा बहुत गाना भी आता हो। उस वक्त बड़े बड़े अदाकार भी वही थे जो खुद गा लेते थे, जैसे सैगल साहब, जैसे सुरैया जी, नूरजहां वगैरह वगैरह। फिर प्लेबैक सिंगिंग की ट्रेडिशन आई। रफ़ी साहब पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात को समझा कि महफिल में गाना या सिर्फ रिकॉर्ड के लिए गाना या स्टेज पे गाना एक दूसरा काम है, इसलिए कि वहाँ सिंगर और सुनने वाले का बराह रास्त रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई ये फला सिंगर गा रहा है। लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का खेल अलग है, यहाँ तो आपको ये दिखाना है कि ये एक्टर गा रहा है और आदमी को लगे कि एक्टर गा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हर एक्टर की आवाज़ की क्वालिटी अलग होती है, हर एक्टर का अंदाज अलग होता है, हर एक्टर की पर्सनैलिटी ही डिफरेंट होती है, तो वो आवाज़ हर आदमी पे कैसे मैच करें। ये काम मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे पहले रफ़ी साहब ने करके दिखाया और बताया कि ये मुमकिन। आप माने या ना माने, इसलिए कि मैं जो कहने वाला हूं वो बहुत ही हैरतनाक बात, लेकिन ये हकीकत, ये सच। मैं कॉलेज में पढ़ता था, हम कुछ दोस्त एक कैंटीन में बैठे हुए थे, रेडियो पे गाना आया और हम सब ने रिएक्ट किया, गाना रफ़ी का था। और हमने एक दूसरे से पूछा, दिलीप कुमार की कोई फिल्म आ रही है क्या? गाना सुन के ये हमारी समझ में आ गया था कि ये गाना स्क्रीन पे दिलीप कुमार ने ही गाया। एक गाना हम बोले जो रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार के लिए गाया है, और उसके बाद एक गाना देखिए जो प्लेबैक है रफ़ी का देवानंद के ऊपर। स्टाइल हो, वॉइस क्वालिटी हो, वो चेंज होती है एक्टर्स के साथ। क्या आप ये देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये गाना मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये भी ठहराव का गाना है। अब इतने ही ठहराव में अगर आप देखेंगे कि अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं, ये वॉइस क्वालिटी क्या है जो देवानंद पे पिक्चराइज हुई, वो अलग है। ये मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये वॉइस क्वालिटी ही अलग है, इसमें ग्रेन ही दूसरी तरह के। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ये बारीकी मोहम्मद रफी, न सिर्फ ये बल्कि जैसे कि एक अच्छा एक्टर डिफरेंट फिल्मों में अपने कैरेक्टर्स बदलता है, दिलीप साहब अगर एक राम और श्याम में श्याम के रोल में एक सोफिस्टिकेटेड आदमी है, एक स्टाइलिश आदमी है, सूट पहन के पियानो पे बैठ के गा रहे हैं आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, तो उस आवाज़ की डिग्निटी और ठहराव अलग है। और वही दिलीप साहब जब अपने मैनरिज्म सारे चेंज करते हैं और गांव के आदमी बन जाते हैं तो ट्यून और वर्ड अलग है, उतना ही काफ़ी नहीं, आप रेंडरिंग और वॉइस क्वालिटी अगर सुनेंगे नए नए लड़झइए में तो वो भी अलग। आज रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की
मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। अब आप सोचिए कि तारीफ करूं क्या उसकी, या चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये गाना क्या वो किसी दूसरे के लिए गा सकते थे? गाना तारीफ करूं क्या उसकी दूसरे के लिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये कि तारीफ पे इतना झटका नहीं देंगे, या दीवाना हुआ बादल, आपको लगता है कि ये शमी कपूर की आवाज़, यही गाना अगर किसी और एक्टर के लिए होगा तो वॉइस क्वालिटी बदल जाए। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील की नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, शमी साहब ने कहा है कि मैं तो हमेशा रिकॉर्डिंग पे रहा करता था, और मैं और रफी साहब बात करते कि देखिए रफी साहब मैं यहाँ ऐसा करने वाला हूँ, तो यहाँ ये डाल दिए वो। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब आसमान से आया फरिश्ता, जो मशहूर गाना है पिक्चराइज्ड ऑन शमी कपूर, वो रिकॉर्ड होने वाला था, तो शमी साहब नहीं थे रिकॉर्डिंग में, और गाना रिकॉर्ड हो गया। जब शमी कपूर के पास पहुंचा, उन्होंने सुना तो हैरान रह गए, और उन्होंने कहा रफ़ी साहब आपने ये गाना इस तरह से कैसे गाया, ये तो वाकई मुझे लग रहा है मैं ही गा रहा हूँ। तो उनका नहीं, मैंने गाते वक्त सोचा कि भाई अब इतना हम लोगों का साथ काम हो गया कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये गाना आप किस तरह गाएंगे और इसमें क्या करने वाले हैं आप, तो मैंने वो हरकतें गाने में कर। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने, कहो प्यार है तुमसे। फैक्ट ये है कि रफी जैसा सिंगर एक्टर का आधे से ज्यादा काम कर देता, इसलिए कि जो इमोशन चाहिए, जो फीलिंग चाहिए, जो रोमांस चाहिए, जो दुख चाहिए, अब वही गाना आप देखिए देवानंद साहब का जो है, दिन ढल जाए पर रात न जाए। अब एक तो डीप उसमें सौरो आपको मिलता है, लोनलीनेस की फीलिंग होती है, दुख गम घुला हुआ है आवाज में, लेकिन वो आवाज देवानंद की ही लगती है। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। रफी साहब ने कई गाने ऐसे गाए हैं कि जहां लफ्ज को अपनी आवाज से मीनिंग देती है, मिसाल के तौर पर वही फिल्म ऊंचे लोक का, जाग दिले दीवाना, रुताई वसले यार की। अब ये एक गाना पिक्चराइज किया गया था, अर्ली मॉर्निंग है, कुछ फॉग सा है पहाड़ी पे, जिसमें हीरो ये गाना गा रहा है, और सुबह की जो फीलिंग है वो जाग दिले दीवाना, वो जो विजुअल की और सिचुएशन की नरमी है वो इस आवाज में, जिस तरह सुबह हो रही है वो उस आवाज में सुबह हो रही है। एक और गाना हीर रांझा का, वो ड्यूट है, वो गाना विस्पर में गाया गया है, मेरी दुनिया में तुम आए क्या क्या अपने साथ लिए। कितना अंदाजा उस शख्स को होगा माइक का कि कितनी दूर कहां मुझे गाना है और कौन सा लफ्ज कैसे मैं गाऊंगा, तो वो बिल्कुल सांसों में ही जाएगा और क्लियर सुनाई देगा। एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, और फेमस तारदेव एक रिकॉर्डिंग थिएटर था जहां मैं गया, वहाँ गुमनाम नाम की एक फिल्म, जो बड़ी मशहूर फिल्म है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी।
गाना गा रहे थे रफी साहब और शारदा जी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। मैंने सोचा चलो सुनते चलते हैं गाना, तो मैं एंटर हो गया वहाँ रिकॉर्डिंग थिएटर में। और होता उस ज़माने में ये था कि एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी, उसके बाद वहाँ पर एक कैबिन होता था जिसमें सिंगर्स गाते थे, वो बहुत बड़ी सी शीशे की विंडो होती थी, तो आप सिंगर को देख सकते थे कि वो माइक पे खड़ा हुआ गा रहा है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा हॉल जिसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था, तो मैं देख सकता था कि रफ़ी साहब और शारदा जी अपने अपने माइक पे खड़े हुए गाना गा रहे हैं। रफ़ी साहब ने अपनी लाइन ख़त्म की, शारदा जी ने शुरू की, ये माइक से मूव किया इन्होंने और शारदा जी की तरफ एक्सप्रेशन दिया कि बहुत अच्छा गा रही हैं आप। कोने में आए, वहाँ एक टेबल पे एक पानी का ग्लास रखा था, थोड़ा सा पानी पिया, होंठ बड़े एहतियात से साफ किए, और जब वो टर्न कर रहे थे तो शीशे की विंडो के थ्रू उन्होंने देखा कि हमारे रिकॉर्डिंग रूम में कई लोग बैठे हैं, उनमें से एक उनका कोई दोस्त या जानने वाला भी था। उन्होंने इशारा किया, उसने वापस सलाम किया, मुस्कुराए, उसने खुद तारीफ़ का एक्सप्रेशन दिया, इन्होंने ऊपर देखा सब उसकी वजह से है मैं क्या हूँ ऐसा एक्सप्रेशन, टर्न करके वापस आए और आके माइक पे गाना शुरू। ये ईज़, ये कंट्रोल आप देखिए कि क्या है, ये हर एक में नहीं आ सकती। चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, ये कंट्रोल टेक्निक पे, ये कंट्रोल आवाज पे, सुर पे, कैसे कैसे गाने, मतलब वो आदमी जिसने लाल लाल गाल भी गाया है, मन तड़पत हरी दर्शन को आज, मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में राधिका नाचे, फिर ऐसा ही लगता है कि दिलीप कुमार ही गा रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे, रे गिरधर की मुरलिया बाजे। क्या कंट्रोल था आजकल, देखिए क्या हो गया है। हम लोग ये समझते हैं अरे भाई हम तो फिल्म में डायलॉग लिखने जा रहे हैं, हमें लिटरेचर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम तो फिल्में गाने लिखेंगे, हमें पोएट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बड़े बड़े पोएट हम पढ़े, हमें क्या लेना देना, हम तो फिल्मी गाने लिखना है। उसी तरह से आजकल मैं देखता हूँ ये जो इतने प्रोग्राम आजकल होते हैं, कंपटीशन में आते हैं यंग सिंगर, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मगर आजकल लोग ज़रा जल्दी में रहते हैं कामयाबी की, तो वो जो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं। अब आप बिना उस ट्रेनिंग के मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर नहीं बन सकते। ये वो लोग थे और हैं कि जिन्होंने म्यूज़िक को पी लिया था और फिर जब उन्हें राग रागनियों पे कंट्रोल आया उसके बाद खड़े होकर फिल्मी गीत गा रहे, तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल हो गया, किसी भी तरह और कैसे भी गा सकते थे। न सिर्फ ये कि वो एक्टर के लिए अलग हो जाते थे और उनके पास ये फैसिलिटी थी कि अच्छा मैं इस एक्टर के लिए गा रहा हूँ तो ऐसे गा देता हूँ, वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी आप देखेंगे कि रंग बदलता था उनका। एक तरफ वो एक्टर का भी ख्याल कर रहे हैं, दूसरी तरफ म्यूजिक डायरेक्टर का जो मिजाज है, उसकी धुन का जो मिजाज है, उसे वो कैसे समझते थे, ये हम बात करेंगे इस ब्रेक। क्लासिक लेजेंड्स में एक बार फिर आपका स्वागत। रफी साहब ने अपने लंबे तवील फिल्म करियर में हजारों गाने गाए और बहुत से गाने उन्होंने शुरू में नौशाद साहब के साथ गाए। दुलारी एक फिल्म बनी थी 1959 में, जिसका एक गाना वाकई अमर गीत है, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, बहुत कमाल का। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। नौशाद साहब की म्यूजिक अपनी हिंदुस्तानियत के लिए पहचानी जाती है, वो गजल हो, वो कोई गीत हो, वो कोई भजन हो, या कोई फोक सॉन्ग हो, उसमें माहौल जो है वो बड़ा हिंदुस्तानी और प्योर हिंदुस्तानी हुआ करता था। इसकी एक हाईलाइट जो इनके कोलैबोरेशन की है वो है बैजू बावरा, 1952 में गालबन ये फिल्म आई थी। वो आज तक आपको याद होगा, ऐसे भजन तो बहुत बने हैं लेकिन ये भजन आज तक कोई भूल नहीं सका है, मन तड़पत हरी दर्शन को आज, शकील साहब ने लिखा था, नौशाद साहब की म्यूजिक और रफ़ी साहब की रेंडरिंग, क्या खूबसूरत गाया था। मन तड़पत हरी
इस फिल्म में एक और भी गीत था, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, और उसमें क्लाइमेक्स गीत का था रखवाले 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 की गर्दान थी, और वो पिच ऊपर होती चली जाती है और वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक प्लेबैक सिंगर में शेर रफी इजा पहुँच सकते थे। नौशाद साहब के साथ ज्यादातर काम तो रफी साहब का गजल के या सेमी क्लासिकल या फोक के ही रंग में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रंग है, कुछ मॉडर्न गाने भी हैं, जैसे लीडर के जो गाने थे वो बड़े मॉडर्न गाने थे। लेकिन मजमूई तौर पे मैं कहूँगा कि उसको जो मॉडर्निटी इनकी गायकी में और इनके गानों में आई, वो दो म्यूज़िक डायरेक्टर या तीन म्यूज़िक डायरेक्टर आप कहें उनमें ज़्यादा थी। शंकर जयकिशन जो अपना एक रंग लेके आए थे, उन्होंने पूरा ऑर्केस्ट्राइजेशन का और कॉम्पोजिशन का स्टाइल ही चेंज किया था। दूसरी तरफ ओपन अय्यर साहब जो ऑर्केस्ट्रा पे कम भरोसा करते थे और रिदम पे और अपनी ट्यून पे ज़्यादा भरोसा रखते थे, उनका ऑर्केस्ट्रा आमतौर से 12-13 लोगों का होता था। और तीसरे SD बर्मन साहब जिनका अपना ही एक रंग था, और उसमें भी जब रफ़ी साहब ने गाया तो उनका रंग आपको बिल्कुल अलग दिखाई देता है। शंकर जयकिशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उनके साथ जो भी गाने उन्होंने गाए उसमें आपको दिखाई देता है कि एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी। अब चाहे कोई मुझे जंगली कहे, आप देखिए वो अपने वक्त में जब गाना है, आज से कोई मेरे ख्याल से 40 साल से भी ज़्यादा हो गए उस गाने को आए, लेकिन वो उसका टेम्पो देखिए, उसकी एनर्जी देखिए तो आज की लगती है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। रफी साहब ने जब शमी कपूर और शंकर जयकिशन के लिए जो रोमांटिक गाने गाए हैं, जो सॉफ्ट भी हैं, तो उसमें भी एक देखिए दूसरा ही अंदाज है जो कि कुछ शंकर जयकिशन का है और कुछ शमी कपूर का है, और यही कमाल है रफ़ी का। मुझे एक गाना जो उन्होंने गाया है वो बड़े सॉफ्ट नोट पे है, शंकर जयकिशन का कॉम्पोजिशन है, हसरत के वर्ड्स हैं और पिक्चराइज हुआ था शमी कपूर साहब पे, इस रंग बदलती दुनिया में। उसमें क्या गायकी है, किस अंदाज से उस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, वो सुनने के काबिल है। रंग बदलते दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर। आवाज कितनी मोहब्बत में डूबी हुई रोमांटिक आवाज है, और यही आवाज एक जगह इस्तेमाल की है शंकर जयकिशन ने महमूद के लिए, तो आप देखिए वो किस तरह से उन्होंने गाया है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। शुरू शुरू में जो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था इनका, शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब के कॉम्बिनेशन का, वो था चश्मे बद्दूर। चश्मे बद्दूर राजेंद्र कुमार साहब पे पिक्चराइज हुआ था, और उसमें फिर वही जो मैंने आपसे पहले कहा कि जो आवाज़ है आप देखिए उन्होंने किस तरह से मैच कर दी है चश्मे बद्दूर में। हालांकि चश्मे बद्दूर एक शौक गाना है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दूर, जिसके मुकाबले में दूसरा गाना जो बहुत उदास था, वहाँ भी आप वॉइस क्वालिटी आप देखेंगे चेंज की हुई है, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है शंकर जयकिशन की, दिल एक मंदिर में याद न जाए बीते दिनों की। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें। ऐसे न जाने कितने गाने शंकर जयकिशन के साथ उनके हैं, अगर मैं बात करता रहूं तो ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जिक्र ओपी नैयर साहब का भी हो। ओपी नैयर साहब एक बड़े अलग तरह के आदमी थे। नैयर साहब बहुत कामयाब म्यूज़िक डायरेक्टर थे अपने वक्तों में, सुर के जादूगर ओपी नैयर कहलाते थे। एक ज़माना था कि फिल्म के पोस्टर पर हीरो हीरोइन की तस्वीर होती थी, वो ओपी नैयर। और उस ओपी नैयर ने कहा है कि
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر محمد رفیع نہ ہوتا تو او پی نیر بھی نہ ہوتا. یعنی وہ اپنی میوزک کی کامیابی اور اپنی دھنوں کی کامیابی کا اتنا زیادہ سہرا باندھتے تھے محمد رفیع کے سر, اور یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ نیر جیسے آدمی کسی کی جھوٹی تعریف کر ہی نہیں سکتے. نیر صاحب کی اور ان کی ریلیشن شپ بہت دنوں تک چلی, اور جیسے پھر وہی دل لائے ہوں گے جو گانے تھے, یہ نیر صاحب کا بڑا فیوریٹ بیٹ تھا, یہ گھوڑے کی ٹاپ جو ہوتی ہے بیٹ, اس پہ انہوں نے بہت گانے بنائے ہیں اور بہت سے گانے رفیع صاحب نے گائے ہیں اور ہر بار وہ گانے کامیابی ہوئے ہیں. اب خیر ویسے گھوڑے کی ٹاپ یہ تو سچ بات ہے کہ کوئی ایجاد نہیں کی تھی نیر صاحب نے, اس لیے کہ مجھے یاد ہے رفیع صاحب کا وہ گانا جو انہوں نے برسوں پہلے میرے خیال سے 52 میں یا 53 میں جب آن آئی تھی تو اس میں گایا تھا, دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ گانا گایا اور وہ گانا گایا, دونوں بیٹ بیسیکلی ایک ہے لیکن ان کے انداز میں بڑا فرق. دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے, ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے. بندہ پرور تھام لو جگر, بن کے پیار پھر آیا ہوں, خدمت میں آپ کی حضور پھر وہی دل لایا ہوں. ایک جو میوزک ڈائریکٹر جہاں میں رفیع صاحب کو بالکل ہی الگ رنگ میں دیکھتا ہوں, اس میوزک ڈائریکٹر کا نام ہے ایس جی برمن. ایس جی برمن بائی ٹیمپرمنٹ جو تھے وہ بالکل اپوزٹ پول پہ تھے. ایک طرف شنکر جے کشن, پھر ان کے بعد اسی اسٹائل میں آئے لکشمی کانت پیارے لال, لیکن دوسری طرف ایس جی برمن تھے. ایس جی برمن کو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں منیمل, وہ انداز تھا ان کا. اس لیے ضروری تھا کہ جو سنگر ہے وہ بھی اس کو جو منیمل کوالٹی ہے اس کو نبھائے. رفیع صاحب جو دوسری جگہوں پہ جب گاتے تھے اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں ایک ایک لائن میں 10 حرکتیں پیدا کر سکتے تھے, لیکن جب وہ گاتے تھے ایس جی برمن کے ساتھ تو آپ دیکھیے کہ انہیں معلوم تھا کہ دھن کی جو سادگی ہے اسے نبھانے کے لیے مجھے بھی سادگی سے گانا ہوگا, مجھے استادی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصلی استادی اب یہ ہے کہ اسے سمپل طریقے سے گایا جائے, ساتھی یا نہ کوئی منزل. اب یہ ایک ایموشنل گانا ہے, ایک سیڈ سانگ ہے, مگر اس کی رینڈرنگ رفیع صاحب کی, وہ رفیع صاحب جو آواز میں ہر طرح کی بات پیدا کر سکتے تھے وہ کس سمپلسٹی سے گاتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات. ساتھی نہ کوئی منزل, دیا ہے نہ کوئی محفل, چلا مجھے لے کے اے دل. ان کے ایک بڑے ہونہار شاگرد تھے ایس جی برمن صاحب کے, جن کا نام ہے جے دیو. جے دیو کے لیے بھی رفیع صاحب نے گایا ہے, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے ابھی تو دل بھرا نہیں. اب اس میں دیکھیے آپ کہ کس طرح سے گاتے گاتے, اب اس میں جیسے دو لائنیں ہیں, ہوا ذرا مہک تو لے میں ذرا کیسے گایا گیا, نشے کے گھونٹ پی تو لوں تو نشے کے گھونٹ پی لوں کس طرح سے گایا ہے, اس میں ذرا سا بس کر کے اس کو جو لفظوں کے معنی ہیں, جو شبد کے معنی ہیں, وہ آواز نے پوری طرح نبھائے ہیں. یہ کمال تھا. یہ شام ڈھل تو لے ذرا, یہ دل سنبھل تو لے ذرا, میں تھوڑی دیر جی تو لوں نشے کے گھونٹ بھی تو لوں. رفیع صاحب کے جب بہترین گانوں کا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ میوزک ڈائریکٹر جن کا میں نے نام لیا ان کا تو نام آپ کو یاد آتا ہے, لیکن ایک میوزک ڈائریکٹر جس کا نام آپ بھول ہی نہیں سکتے وہ ہے روشن. روشن صاحب کے ساتھ انہوں نے ایسے خوبصورت گانے گائے ہیں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جب میں روشن صاحب کے دیکھتا ہوں گانوں کو تو شاید ان کا جو فیوریٹ وہ یمن تھا, اور یمن میں انہوں نے رفیع صاحب کو ایسے خوبصورت گانے دیے ہیں, زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات, یا پھر من رے تو کاہے ندھیر دھرے. برسات کی رات میں تو خیر ہر گانا ہی کمال تھا اور وہ فلم اپنے گانوں ہی پہ چلی تھی. اسی میں سیم فلم میں جو قوالیاں تھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پلے بیک سنگر کی آواز نہیں ہے, یہ وہ آدمی نہیں ہے جس نے رومانٹک گانے گائے ہوں گے, بلکہ یہ ایک پروفیشنل قوال کی آواز, یہ کمال تھا. انداز
से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। और फिर गजलें, खास तौर से जो उन्होंने मदन मोहन साहब के साथ काम किया है गज़लों का, वो चाहे हंसते जख्म में हो चाहे हीर रांझा में हो, हकीकत में मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था, मगर हकीकत का वो गाना जो रफ़ी साहब ने एंड में गाया, पिक्चर ख़त्म हो गई है, सारे कैरेक्टर्स ख़त्म हो गए हैं, आपका हीरो, आपकी हीरोइन, आपके कैरेक्टर एक्टर्स, उनकी डेड बॉडी पड़ी। अब उसमें कमाल म्यूज़िक डायरेक्टर का भी है और सॉन्ग राइटर का भी है, लेकिन सिंगर का भी है। उन्होंने तीनों ने मिल के इस गाने को अमर बनाया है। रफ़ी साहब का यह गाना कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कौन भूल सकता है। और आप ये देखिए कि इसमें, इस आवाज़ में वो वही कुर्बानी, वही डिटर्मिनेशन, वही सफाई है जो कोई आदमी ऐसा बोल रहा हो तो कैसे बोलेगा, कह रहा हो तो कैसे कहेगा। यहाँ पर वो कोई मीन मुर्की होशियारी नहीं, बल्कि टोटल सिंसियरिटी, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग आपको उसमें दिखाई देती है। वो आवाज साफ और सीधी चल रही है, जिस तरह के बात साफ और सीधी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं अब उन म्यूजिक डायरेक्टर्स का जिक्र करना चाहूंगा जिनके साथ रफी साहब ने मैक्सिमम गाने गाए। कुछ ऐसा लगता है कि ओ पी नैयर या नौशाद या शंकर जयकिशन इतने पुराने थे, इतने बरसों से थे, नहीं। सबसे ज़्यादा गाने रफ़ी साहब के हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 369 सॉन्ग्स और उनमें से 186 सोलो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जिंदगी का जो पहला गाना था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो ज़माना आए खुदा करे मेरे प्यार पे तुझे नाज हो, ये गाना रफ़ी साहब का सोलो था, ये पहला गाना था। और रफ़ी साहब जानते थे इन दोनों को, बहुत ही यंग थे जब ये लोगों को ब्रेक मिला और म्यूज़िक डायरेक्टर बने, इसलिए कि दोनों म्यूजिशियन थे तो ज़ाहिर है रफ़ी साहब की कितनी रिकॉर्डिंग्स में ये लोग मौजूद रहे होंगे तो पहचानते थे रफ़ी साहब। तो जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर बने एक टीम बना के और इन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये तुम लोग की ज़िंदगी का पहला गाना है, इस गाने के मैं पैसे नहीं लूँ, और उन्होंने नहीं लिए। इत्तेफाक है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना रफ़ी ने गाया था और रफ़ी की ज़िंदगी का आखिरी गाना, कौन रफ़ी जिसने 4,500 से भी ज़्यादा गाने गाए, उस आखिरी गाना जो है वो कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये रिश्ता था, ये दोस्ती थी। अब फिर दोस्ती ही की बात कर लीजिए, जिसने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम संगीत के आसमान पर लिख दिया। एक एक गाना उसका कमाल था और सुपर डुपर हिट, और उसमें रफी साहब। नाही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। एक एक गाना आप सुने तो आज भी आपको लगेगा कि क्या गाना है और क्या गाया गया है। वो सड़क का स्ट्रीट सिंगर था, एक कैरेक्टर था उस लड़के का जो अंधा है और गाता है अपने दोस्त के लिए। और जो जो गाना आप सुनेंगे वो आज भी आपके दिल को छू जाता है। जाऊंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे सिंगर के गाने। दूसरी तरफ एक और पिक्चर थी, मेरे हमदम मेरे दोस्त,
जिसमें दूसरा कैरेक्टर था धर्म जी का, धर्मेंद्र कर रहे थे, और उसमें एक गज़ल है मजरू साहब की लिखी हुई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोज की हुई। अब आप देखिए कि जहाँ सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर के लिए वो गा रहे हैं तो किस तरह से गा रहे हैं, जबकि स्ट्रीट सिंगर का भी जब गाया था तो इफेक्टिव था, लेकिन हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अब देखिए ये क्या अंदाज है, और आपको लगेगा कि ये धर्म जी ही गा रहे हैं। वक्तों में सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, सारे लीडिंग मैन के लिए गाया, सारे हीरोज को इन्हीं की आवाज दी जाती थी, और वो लिस्ट जो हीरोज की है जिनमें जिनके लिए रफी साहब ने गाया है, उनमें से एक नाम बड़ा दिलचस्प है और आप जब सुनेंगे तो आपको हैरत हो, उसका नाम है किशोर कुमार। यानी किशोर कुमार के लिए भी रफी ने गाने गाए। ऐसी फिल्में हैं जहां किशोर कुमार एक्टिंग कर रहे हैं और आवाज किशोर कुमार की नहीं है, प्लेबैक रफी का है। शरारत में एक गाना है, शंकर जयकिशन की म्यूजिक थी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। एक फिल्म थी रागनी, ओपी नैयर की म्यूजिक थी उसमें, उसमें गाना पिक्चराइज हुआ है किशोर कुमार पे, लेकिन आवाज जो है वो मोहम्मद रफी की है। मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बावरा। आज रफी साहब को गुजरे कोई 30 साल हो गए, 1980 में जुलाई में वो इस दुनिया से गए, लेकिन आज भी उनके बाद जो आते रहे हैं सिंगर, उनमें से ज़्यादातर ने इंस्पिरेशन लिया है रफ़ी साहब से, और उनके दिल में रफ़ी साहब की बहुत बड़ी इज्जत है। मैं समझता हूँ आज जो हमारे प्लेबैक सिंगर्स हैं उनमें सोनू निगम का जवाब नहीं, लेकिन सोनू निगम की मोहब्बत और ये श्रद्धा की बात है कि जब आप उनके घर में एंटर होते हैं तो जो पहला फॉयर है, जो पहला कमरा आता है, उसमें एक बड़ी सी तस्वीर उन्होंने रफ़ी साहब की लगाई हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खूबसूरत बात है सोनू निगम की। रफ़ी साहब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक इंतहाई शर्मीले और बहुत ही खामोश आदमी थे, बात भी करते थे तो इतने हल्के के जैसे विस्पर कर रहे हैं, इतनी आहिस्ता बोलते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। और वाकई कितनी अजीब बात है कि जो आदमी इतना शांत और इतना शर्मीला था, उसके अंदर कैसे कैसे टैलेंट छुपे हुए थे, और शायद यही उनकी टैलेंट के अलावा उनकी शख्सियत भी यही थी। इसलिए कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उसके बाद बहुत से लोग, मतलब एक खैर तो उनका जो जनाजा था, जो उनका फ्यूनरल था, उसमें तो लाख से ऊपर आदमी होंगे, मतलब एक बहुत बड़ा फ्यूनरल, न जाने कितने लोग आए थे उसमें शामिल होने। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन उसके बाद उनके घर पे कुछ ऐसे भी लोग आए जिनके बारे में उनके घर वाले कुछ नहीं जानते थे, कश्मीर से, अलग अलग जगहों से, कि जहां रफी साहब का पैसा उन गरीब घरों में जाता था और पैसा नहीं आया, और इतने गांव के भी लोग थे, कश्मीर के एक गांव के एक लोग तो ऐसे आए कि जिन्हें पता नहीं था कि रफी साहब नहीं रहे, उन्हें पता नहीं कैसे वहां तक पहुंचा देते थे वो पैसा हर साल, और जब वो नहीं मिला तो आए तो उन्हें मालूम, कह ले हम तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए कि वो तो हमें हमेशा पैसा भेजते थे, उनके घर वालों को बात मालूम तक नहीं थी। जब आदमी इतना टैलेंटेड हो और इतना अच्छा भी हो तो कोई हैरत नहीं कि उसके साथी उससे मोहब्बत करें। मन्ना डे साहब हैं, खैर ये मैं तो मन्ना दा की ये ग्रेटनेस समझूंगा कि जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है रफ़ी साहब की और कहा कि मैं मानता हूँ कि रफ़ी मुझसे कहीं बेहतर सिंगर था और उसे ज़िंदगी में जो कुछ मिला वो डिज़र्व करता था, बल्कि उसे और मिलना चाहिए था, और वो जो भी गाता था ऐसा कोई गा नहीं सकता था, ये मन्ना डे ने कहा उनके बारे में, जो उनके कलीग थे। सारे लोगों ने उनकी तारीफ ही की और अच्छा ही कहा। बस एक बार ऐसा कुछ हुआ था किसी वजह से
कि लता जी और रफी साहब में किसी बात पे कुछ अनबोला हो गया और कोई 6 साल तक उन्होंने साथ गाना नहीं गाया। खैर, मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों ही महान सिंगर्स हैं, तो ना इसमें रफ़ी साहब का कोई नुकसान हुआ ना लता जी का कोई नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ किसी का तो हमारा आपका, इसलिए कि उन 6 साल भी अगर वो लोग साथ गाते रहते तो हमें और भी कुछ अच्छे गाने मिल जाते। चलिए कोई बात नहीं, जो मिला है वो क्या कम है। आज समझिए आप 32 बरस हो गए रफ़ी साहब को गुजरे, लेकिन 32 बरस बाद भी उनके गाने जो हैं वो फीके नहीं पड़े हैं, उनकी आवाज़ जो है वो हल्की नहीं हुई है। और आज भी इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो रफ़ी के शैदाई हैं, रफ़ी के फैन हैं। मतलब बर्मिंघम में, इंग्लैंड में एक साहब ने तो एक श्राइन बनाई है मोहम्मद रफ़ी के नाम से, और वो उन्हें एक सेंट का दर्जा देते हैं और वहाँ लोग जाते भी हैं उस श्राइन पे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि बर्मिंघम में तो एक श्राइन बाहर बनी हुई है, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों लोगों के दिलों में मोहम्मद रफ़ी की एक श्राइन है, जिसमें हम आज भी उनके गीतों को बिल्कुल संभाल के रखते हैं और उनकी आवाज़ की, उनके टैलेंट की, उनकी शख्सियत की इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। रफ़ी साहब जैसे लोग जो होते हैं, वक्त के साथ उनकी शोहरत, उनकी इज्जत, उनकी पॉपुलैरिटी धुंधली नहीं होती, बढ़ती रहती है। और मुझे यकीन है कि आने वाली नस्लें भी उन्हें सुनेंगी और उनका शुक्रिया अदा करेंगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे। मैं अब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बस इतना ही, अगले रविवार फिर हम 7:30 बजे मिलेंगे, फिर किसी फनकार की बात करने। तब तक इजाजत, शुक्रिया।